मनीष कश्यप के समर्थन में देखिए यहाँ नारे लग रहे हैं। उज्ज्वल भारत में आपका स्वागत है। हम आज पहुँच चुके हैं गांधी मैदान के कारगिल चौक पे, जहाँ आज मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान किया गया था। देखिए जो गाड़ी का आवागमन पर डे रहता था उस हिसाब से आज आवागमन नहीं है। गाड़ी बहुत धीरे जा रही है, आगे वहाँ जाम कर दिया गया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बहुत शांति तरीके से बंद है। गाड़ी का आवागमन 50% कम हो गया है। वहाँ पे प्रशासन की गाड़ी लगी हुई है, प्रशासन भी है, जो किसी प्रकार के वायलेंस उत्पन्न नहीं हो इसके लिए प्रशासन की व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। इन्हीं से हम बात करते हैं, देखते हैं कि उनका इनके बारे में क्या राय विचार है, वो इस बारे में क्या रखते हैं। हाँ हेलो भैया, देखिए ये जो है बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हम ओपनली करेंगे तो हमारे ऊपर भी राजनीति कोई पेचा लग जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पत्रकार के समर्थन में उतरना कोई गलत बात नहीं है। और इधर आप देखिए पूरा सुनसान लग रहा है, कहीं भी आप भीड़ भड़ाका आप नहीं देख सकते हैं। और दिन के अपेक्षा यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, जो आप देखने में बहुत कम लग रहा है। देखिए एक आधुका गाड़ी, और हाँ ये पर्सनल जो बाइक है और पर्सनल बाइक है वही जा रहा है, लेकिन और कमर्शियल गाड़ी नहीं चल रही है। और देखिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में क्या है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं, चाचा से पूछते हैं कि आज बिहार बंदी क्या पूर्ण रूप से सक्सेस आपको दिख रहा है कि आज बिहार बंदी का कोई असर? नहीं, उनको तो नहीं लग रहा है। इनका कहना है कि बिहार बंदी का जो बंदी है, बिहार बंदी का जो ऐलान था उस पर बंदी का असर नहीं दिख रहा है। क्या मतलब जो पत्रकार के साथ हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या उसमें कोई राजनीति पेचा है या उनका कोई अपना गलती है जिस कारण उनको? उनका अपना गलती है। इनका कहना है कि मनीष कश्यप जो है गलती किए, इस कारण उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन बहुत सारे का कहना है कि उनको एक राजनीति चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। और भी पूछते हैं दूसरे लोग से क्या उनका राय है इस पे। आइए इधर हम बात करते हैं। हाँ एक भैया मिले जिनसे बात करते, क्या आपको आज बिहार बंदी का असर दिखने को मिल रहा है? मिल रहा। इनका कहना है कि असर मिल रहा है, कि वास्तव में आज जो है उतना जो और दिन अब यहाँ गाड़ी का आवागमन रहता था वैसा आवागमन नहीं है। क्या जो मनीष कश्यप के साथ हुआ, क्या उसमें आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का राजनीति पेचा है? राजनीति कोई नहीं है, मनीष कश्यप को फंसाया गया है। ये बहुत जो है ना बुरी तरह, और ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। मनीष कश्यप के जैसा आदमी नहीं है पत्रकार में कोई भी, और ना रहेगा। मतलब वो गरीब और मान लीजिए मजदूर का आवाज़ उठाए, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा? जी हाँ, गरीब मजदूर के लिए उठाया आवाज़, इसीलिए जान रहा है कि तेजस्वी यादव की हम अगला 24 हम नहीं जीत सकते हैं। देखिए इनका बड़ा कहना है कि तेजस्वी यादव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वो उनको गिरफ्तार करवाए हैं। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप आने वाले फ्यूचर में राजनीति में इन्वॉल्व हो सकते हैं? आपको हमारा कहना है ना कि मुख्यमंत्री बनाया है मनीष कश्यप को। इनका एक अपना समर्थन है, ये नहीं मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? देखना चाहता है कि बिहार का सुधार हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोग जनता के लोग जितना भी जो अभी का सरकार है, नीतीश सरकार है, तेजस्वी सरकार है, क्या आप उससे उतना? ये तो महा जो है ना दोगला जाता है, जो होता है ना, हम गाली देके बात बोलते हैं। एक सिंगर मैं हूँ, हम गाना भी गाता हूँ और बहुत चीज करता हूँ। ये जो है आरजेडी का महा दोगला जाता है, ये सबको जो है जंगल राज बना रखा है इन्होंने, ठीक है। अब लेकिन जंगल राज नहीं चलेगा, अगर मनीष कश्यप का जैसा आदमी आ जाए तो जंगल राज बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बंदी से मनीष कश्यप को छोड़ दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, अवश्य एकदम बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा उनको। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो क्या और बिहार बंदी या इस पे कुछ आंदोलन का? फिर आंदोलन करेंगे, फिर हम बिहार बंदी करेंगे। इनका अपना राय है मनीष कश्यप के पक्ष में, ये मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं मनीष कश्यप को फ्यूचर में। और हम आगे बात करते हैं, आज बिहार बंदी का कोई असर आपको? देखिए मतलब ये भी हो सकता है राजनीतिक डर से कोई उनके सपोर्ट में बोलने के लिए नहीं आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन लग जाए। इनसे हम बात करते हैं, क्या आप मनीष कश्यप के समर्थन में है या नहीं है? समर्थन में है जी, वो बहुत अच्छा पत्रकार है, बिहार के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं। बिहार के बारे में अच्छा सोचते हैं, इनका ऐसा कहना है। मतलब
बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं कि उनको राजनीति पेचे के अंदर फंसाया गया, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में उनके ऊपर कोई राजनीति खेल किया जा रहा है? हाँ, राजनीति तो किया जा रहा है उनपे। और क्या इसमें तेजस्वी यादव किसी राजनीति बदले के भाव से उनके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं क्या? जरूर ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई बिहार के बारे में अगर अच्छा कोई सोचता है उसके बारे में लोग खराब सोचना ही लगते हैं। देखिए, इनका कहना है कि वो बिहार के मजदूर और गरीब तबके के लोग के बारे में सोचते थे, इसीलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई किया गया। आइए हम और किसी से मिल के बात करते हैं। देखिए इधर आपको हम दिखाते हैं, ये सारा जुमावड़ा लगा हुआ है, मनीष कश्यप के समर्थन में लोग आए हुए। एक चाचा है, बात करते हैं। क्या आप आज बिहार बंदी को किस स्तर से देख रहे हैं? क्या बिहार बंदी सफल आपको दिख रहा है? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि आज बिहार बंदी जैसा नहीं लग रहा है ऐसा। जैसे बहुत लोग का कहना था कि मनीष कश्यप के ऊपर राजनीति पेचे के तहत कार्रवाई किया गया, आपको क्या ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई राजनीति किया गया? नहीं, ऐसा कुछ तो हमको नहीं लग रहा है। जो गलत करेगा उसका वो भोगेगा अपना। आपके कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप कुछ गलत किए इसलिए जेल गए, लेकिन बहुत आदमी कह रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक कह रहे हैं कि वो बिहार के गरीब मजदूर की आवाज़ उठा रहे थे इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा। ऐसे अभी इसमें हमको हकीकत मतलब जानकारी नहीं है कि इसमें सत्यता क्या है और मैंने असत्यता क्या है, मतलब जांच होगा तब पता चलेगा कि मैंने हकीकत क्या है। लेकिन आज पत्रकार उनको आप कैसा समझते हैं, वो पत्रकारिता के लाइन में कैसा है, क्या वो पक्षपात करते थे या वो गरीब तबके के लोग की आवाज़ उठाते थे? ऐसा कुछ हमको अभी तक मैंने फीलिंग नहीं हो रहा है। देखिए, इनको मनीष कश्यप के बारे में बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं लगा कि जिसके कारण उनका जेल गया, इसके लिए बिहार बंदी होना चाहिए। और लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं कि उनका इस पे क्या राय विचार है। क्या आप आज बिहार बंदी का किस स्तर पे देख रहे हैं, बिहार बंदी सफल दिख रहा है या नहीं? जी, सफल दिख रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे ही हम लोग को करना है। तो क्या आप भैया को छोड़ाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि ये मनीष कश्यप को गिरफ्तारी में किसी प्रकार का राजनीति पेचा लगा हुआ है? हाँ, लगा है सर, एकदम लगा है। सारा जनता बोल रहा है मनीष भैया के खिलाफ, के उनके सपोर्ट में, कि अच्छा है मनीष भैया, और सरकार ही एकलौता ऐसा है कि उनको गलत बता रहा है और उनको गिरफ्तारी कर रहा है। उनके सपोर्ट में जो लोग भी आए हैं उनको गिरफ्तार करके लेके गया सरकार। आपको गलत क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है मनीष कश्यप अपना राजनीति करियर चमकाने के लिए भी आप ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात, देखिए जिसमें काबिलियत है, बात समझिए, इसमें उनका कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं कि उस बात नहीं है, वो लिए बड़े घर में वो अपने दम पर यहाँ तक पहुँचे, ये चीज गलत कहना होगा कि नहीं भाई? आखिर क्या हुआ कि मतलब तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को जेल भिजवा दिए? प्रॉब्लम है, डर लग रहा है, क्योंकि अरे भाई जात पात से ऊपर उठो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। अभी हो सकता नया युवा जनरेशन जो है ये तो चीजें बदल रहा है ना। आइए, जब से मोबाइल आया है, जब से आपको बता दे यूट्यूब आया है, जब से पब्लिक बदलने लगा है। देखिए नीतीश कुमार चार दिन पहले ही जो है वहाँ पर क्या है ये बाबू सभागार में बोले, कोई किसान सम्मेलन में इंग्लिश में बोलने लगा तो बोले कि भाई ये जगह कहाँ, हम लोग बिहार में अति पिछड़ा जगह में है, इंग्लिश कैसे बोल रहे थे? सरकार में रह के भी अपने आप को अति पिछड़ा बिहार। जी 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 बिल्कुल, जब आप ही कहिएगा कि हम पीछे हैं तो यहाँ पे है, इनसे ही बात करते हैं। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। अभी ये एक ऑटो वाले हैं, क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप एक मजदूर युवा हो या गरीब हो या हर कास्ट के लोग की आवाज़ उठाते थे इसलिए उनको जेल जाना पड़ा? नहीं। आप मनीष कश्यप के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? नहीं हम। देखिए, ये मनीष कश्यप के बारे में नहीं जानते हैं, ये आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो गरीब और ऑटो रिक्शा हो मजदूर हो उस सब के बात उठाते थे इसलिए उनको लोग कह रहे हैं कि इसलिए उनको जेल भेज दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। क्या आप इस बात से सहमत है कि उनको जो जेल भेजा गया वो सही किया गया कि गलत किया गया? गलत किया गया, जो गरीब को आवाज़ उठाने वाला जिसको मसीहा है उसको जेल भेज दिया गया वो तो गलत बात, गलत किया गया आंदोलन के लिए। पत्रकारिता का मतलब हुआ कि आपको ये लगता है कि अब नीतीश कुमार जो है पुराने एज के चल गए, अब युवा जो है नेता बिहार में आना चाहिए? जो देखिए जो हकदार है उसको वो चीज मिलना चाहिए, बात है साफ सुथरा। आपको अगर इसमें अपने दम पर आए होंगे मुख्यमंत्री खाने के लिए देता है, किसी के दम पर आए हैं? नहीं नहीं, विरासत में कुछ मिला है? विरासत में जो विरासत में जिसको नहीं मिला उनसे पूछिए। आप लोग विद्यार्थी है? जी हाँ। किस चीज का विद्यार्थी है? हम लोग बीएन कॉलेज के। बीएन कॉलेज के, ये जो मनीष कश्यप को
गिरफ्तार किया गया, क्या ये सही किया गया, मतलब क्या इसमें कोई राजनीति पेचा है, आपको क्या लगता है? पता नहीं सरकार का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके प्रति, या इनका कहना है कि सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनको जो लगा होगा लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन बहुत सारे पब्लिक का कहना है कि वो गरीब मजदूर और बिहार के बात को ऊपर उठाते थे इसलिए उनको दबाने के लिए ऐसा राजनीति खेल किया गया, क्या आपको ये सच लगता है? हो सकता है, मैं भी अच्छे पत्रकार तो हैं, वो बिहार के मजदूरों के लिए तो काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार के राजनीति में कोई बदलाव होना चाहिए, कोई युवा चेहरा सामने आना चाहिए जो किसी राजनीतिक विरासत में पैदा नहीं हुआ? हाँ तो अभी चुनाव तो दूर है, उसके मद्देनज़र जो भी आप बदलाव देखना चाहते हैं भविष्य में? हाँ हो सकता है। चलिए इनसे बात की है, इनका भी कहना है कि बदलाव देखते हैं, युवा चेहरा को आना चाहिए और जो किसी विरासत से नहीं आता हो। बिहार के युवा अभी मिले हैं इनसे हम बात करते हैं, क्या आप मनीष कश्यप का जो गिरफ्तारी हुआ है उसके लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उनका देखिए उनका कहना एकदम सही है, जैसे अगर वहाँ जैसे रिपोर्ट उनको कहीं से ज़रूर मिला है, अपने आप से तो वो बना के बोल नहीं रहे थे, अगर उनको कहीं से जानकारी मिला है तो उसकी पुलिस ये बिहार सरकार को भी आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी किसी राजनीतिक पेशे को लेकर किया गया उनके? हाँ बिल्कुल किया गया है, राजनीतिक पेशा ही लेकर के ही किया गया है, कोई ये बुरा साजिश है पूरा, ये पूरा। आप ऐसे करते क्या है? हम ये अभी रैपिडो ओला उबर चलाते हैं। आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, रोजगार बढ़े तो वो लोग बाहर नहीं जाते, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी रोजगार सृजन हो? रोजगार नहीं है भैया, तभी तो इतना बिहार में करप्शन हो रहा है। यही कहना है कि बिहार में रोजगार दिखाने के लिए ही मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो फेक न्यूज चलाए, क्या आपको लगता है वो फेक है या मजदूर के साथ ऐसा घटना हुआ होगा? देखिए जो कभी भी कोई भी अच्छा इंसान जो किसी पे उंगली उठाता है ना तो उसको दबा दिया जाता है, ये बिहार का ये बहुत पुराना आरोप है कि वो एक युवा थे आगे बढ़ रहे थे इसलिए उनको दबाया गया ताकि बिहार में किसी प्रकार के वो राजनीति बदलाव नहीं लाए। हो सकता है बहुत लोग का कहना है कि आने वाले फ्यूचर में वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्या आपको लगता है कि वो राजनीति के लिए ऐसा? चाय बेचने वाले जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बिहार के युवा जब कोई भी आगे बढ़ेगा तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री और सीएम क्यों नहीं बनेगा? आप भविष्य में मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? क्यों बिल्कुल देखना चाहते हैं। इनका भी कहना है कि ये भविष्य में मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे। सारे कवरेज को दिखाए गांधी मैदान के कारगिल चौक पे आके, क्या बंदी है, क्या लोग का ओपिनियन है, सारे चीज हम आपको दिखाए। अब मैं कैमरामैन के साथ टीके निराला।